नमस्कार, चुनावी नगरी में आप सभी का स्वागत है। पिछली कड़ी में हमने बात की थी बागीदौरा सीट पर चुनावी समीकरण के बारे में, और आज बात करते हैं राजस्थान की उस सीट के बारे में जहां पर जाति ही सबसे बड़ा फैक्टर है, जहां के शेर की झलक पाने के लिए प्रियंका गांधी भी बार बार चक्कर लगाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सवाईमाधोपुर के बारे में। सवाईमाधोपुर विधानसभा सीट सामान्य वर्ग की सीट है। ये सीट टोंक सवाईमाधोपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इस सीट पर मुख्य रूप से मुस्लिम, मीणा और गुर्जर वोटों का प्रभाव है। इसके अलावा एससी, ब्राह्मण, बनिया, माली और राजपूत समाज भी यहाँ के चुनावों में समीकरण बिगाड़ने की हिम्मत रखते हैं। यहाँ की आबादी 3,42,000 है, जिसमें 16% एससी आबादी है, जबकि 23% आबादी एसटी की है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में सवाईमाधोपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के दानिश अब्रार ने 85,655 वोटों से जीत दर्ज की थी और वह आशा मीणा को हराया था। आशा मीणा को 60,456 वोट मिले थे। ये शिकस्त तकरीबन 25,000 वोटों के बड़े मार्जिन से दी गई थी। वहीं 2013 की बात करें तो बीजेपी की दिया कुमारी ने 57,384 वोटों से एनपीईपी नेता किरोड़ी लाल मीणा को 7,500 वोटों से हराया था। 2008 में कांग्रेस के अलाउद्दीन आजाद ने निर्दलीय किरोड़ी लाल मीणा को करीब 3,000 वोटों के अंतर से शिकस्त दी थी। राज्य के बड़े नेता किरोड़ी लाल मीणा का इस क्षेत्र में अच्छा प्रभाव है। सवाईमाधोपुर सीट पर सबसे अधिक आबादी मीणा वोटरों की है। उन्होंने बीजेपी से अलग होकर 2008 में अपनी अलग पार्टी बनाई थी। हालांकि 2018 में किरोड़ी ने वापस बीजेपी में वापसी कर ली। उन्हें राज्यसभा भी भेजा गया। उन्होंने अपनी राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी यानी कि राजपा का भी बीजेपी में विलय कर लिया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनके बीजेपी में आने से मीणा मतदाताओं का रुझान बीजेपी की तरफ बढ़ गया है। इसे कांग्रेस के लिए इस बार ये सीट जीतना थोड़ी चुनौती हो सकती है। कांग्रेस के दानिश अब्रार बड़े वोट बैंक के साथ जीते थे। अब उनके सामने किरोड़ी लाल मीणा है, जो कि जाति के साथ साथ अपनी लोकप्रियता का भी दम भरते हैं। अभी के लिए इतना ही। अगली बार आपको लेकर चलूंगी एक और विधानसभा सीट की ओर और जानेंगे वहां का चुनावी समीकरण। नमस्कार।